हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम वापस आ गए एक और न्यू वीडियो के साथ। पर वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो आज हम बनाने वाले हैं गणपति स्पेशल कोकोनट पेड़ा। उसके लिए हमने ले लिया है फ्रेश कोकोनट, जिसको हमने ग्रेट कर लिया है, शुगर, मिल्क पाउडर, छोटी इलायची। अब मैं आपको इन सब का क्वांटिटी बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर इस कटोरी के 2 कटोरी ग्रेटेड कोकोनट लिया है, 1/2 कटोरी चीनी लिया है और 1/4 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। आप अब जो भी मेजरिंग कप यूज करें या फिर बाउल यूज करें या फिर कटोरी यूज करें, आप यही मेजरमेंट फॉलो कीजिए तो इससे आपके पेड़े एकदम परफेक्ट बनेंगे। आप चाहे तो अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर दीजिए, और अगर आपको कम बनाना है तो आप क्वांटिटी लेस कर दीजिए। तो अब हम इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे मिक्सर में और एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इलायची के हम दाने ले लेंगे। और अब इन सबका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे इसमें। तो अभी अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे ब्लेंड करते वक्त हमने पानी का यूज बिल्कुल नहीं किया है। अब हमने ये पूरा मिक्सचर बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। अब हमने पैन को हीट पे रख दिया है, हम फ्लेम को लो कर देंगे और हम ये पूरा कुकिंग प्रोसेस लो फ्लेम पे ही करेंगे। अब हम मिक्सचर डाल देंगे पैन में। अब हम इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे धीरे धीरे, वरना ये नीचे चिपक जाएगा। अब इसे ऐसे स्टर करते करते ही हमें इसे पकाना है जब तक ये पूरा ड्राई नहीं हो जाए। अभी पक गया है, ये देखिए पूरा एक साथ ही बाइंड हो जा रहा है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो अब ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसे थाली में निकाल लेंगे। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक ये एक अच्छा सा सॉफ्ट डो नहीं बन जाता। तो अब 10 मिनट हो चुका है इसे भूनते हुए। अब देखिए इसका टेक्सचर ये कैसा हो गया, ड्राई हो गया है। अब हमने क्या किया है, ये जो पैन जिसमें हमने इसे बनाया था उसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसे गर्म कर लिया है। इससे ये जो एजेस में थोड़ा लगा हुआ था वो भी इसमें मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसे गूंदेंगे, इससे इसका टेक्सचर सॉफ्ट होगा।
तब हमारा ये डो सॉफ्ट हो गया एकदम। अब हम इसे शेप दे देंगे। अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट भरेंगे। मैं यहाँ पे काजू और किशमिश यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई और ड्राई फ्रूट भी यूज कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम बाकी सभी भी बना लेंगे। हम यहाँ पे मोदक की शेप का बना रहे हैं, आप चाहे तो कोई और शेप का भी इसमें बना सकते हैं। तो अब हमारे सारे कोकोनट मोदक बनके रेडी है।